डॉक्टर भाई वाले कहाँ गए? आइए आ जाओ। सर नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, ऐसे नहीं आगे से भैया मिलना चाह रहे बच्चे। अच्छा चलो ठीक है। साथियों, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोग भी आए, जब वो मंत्री आप सभी के चेहरे पे जाने पहचाने लोग भी विधायक भाई राम चड्डा जी आ चुके हैं। साथियों, आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं और द्वारा एक छोटा सा ये जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है। इसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने से पहले ये हमारी परंपरा रही है कि आए हुए अतिथि का हम सभी स्वागत करते हैं।
इसी कड़ी में यूनिसेफ संस्था के डॉक्टर माननीय एमएलए राघव चड्डाजी का और पूर्व निगम परिषद प्रत्याशी इंद्रप्रिय वार्ड से जय ज्योति गौतम जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत करें। डॉक्टर रजक एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर श्रुति जी स्वागत करेंगी बहन ज्योति गौतम जी का। मेरे बीच में राजेंद्र नगर विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई जगदीश भल्ला जी आ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। जोड़ना चाहिए डॉक्टर रजक जी स्वागत करेंगे। माननीय हमारे यहाँ विभाग है जगदीश भल्ला जी का भाग लगाकर जोड़ना चाहिए। मेरे बीच में भाई प्रीत शर्मा जी है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। समय समय पे क्या हर एक प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो भाई प्रिंस का सहयोग हमेशा मिलता रहा है, साथ मिलता रहा है, इसलिए हम सभी उनके तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर श्रुति जी स्वागत करेंगे प्रिंस चौहान जी का शाल उड़ा करके जोरदार तालियों के साथ उपस्थिति होनी चाहिए। एहसास हो राजेंद्र नगर विधानसभा में आज जिला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राकेश ओझा जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके आए राकेश चौधरी जी कितने मंच के हैं। मिस्टर संदीपन जी स्वागत करेंगे। राकेश चौधरी जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर शुक्ल जी पुष्पा निर्वाही है हमारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिनका स्वागत करेंगी। पुष्पा निर्वाही एक बार जोड़ना क्या लिया। जो ये
लघु उद्योग का प्रोग्राम यहाँ पे इवेंट रखा गया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये ऐसे कार्यक्रम तभी संभव हो पाते हैं अच्छी सोच अच्छे विचार अच्छी नीयत के साथ जब कोई कार्य हो। मैं इस एनजीओ के तमाम डॉक्टर्स टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय राघव चड्ढा जी का जो हमारे दिलों की धड़कन है जिनकी सोच रही है वह व्यक्ति का ध्यान देना जो कतार के बिल्कुल पीछे खड़ा है। आज इस तरह का कार्यक्रम इस तरह का आयोजन करके आपने सिद्ध कर दिया है उस छोटे छोटे लोगों को जो अपने घरों में छोटा छोटा व्यवसाय करके अपना परिवार का भरण पोषण कर सके पालन कर सके समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इस तरह की पहल करके आपके माध्यम से आपके सहयोग से इस तरह के जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं इसके लिए मैं पुनः अपनी टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे का कार्यक्रम वार्ड अध्यक्ष भाई अमर गौतम जी संचालन करेंगे। जय एक नई सोच शुरुआत होती है हमारे राजेंद्रनगर विधानसभा से। डॉक्टर फॉर यू आज आप छोटे छोटे लघु उद्योग आयोजन कर रहे हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी में कुछ ऐसे परिवार बेरोजगार हो गए हैं उन लोगों को छोटे छोटे कार्य को करने का उद्देश्य सोचा है। मैं रजत डॉक्टर रजत जी से अनुरोध करूंगा वो अपने विचार रखें हमारे बीच में। धन्यवाद जी। विधानसभा अध्यक्ष मिस्टर भल्ला मिसेस गौतम और यहाँ पर सभी उपस्थित माननीय गण, महात्मा गांधी ने एक बार बोला था द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी कि अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को लोगों की सेवा में खो दो। तो डॉक्टर्स को यू उसी उसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू की गई जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे। मैंने ये सोचते हैं अपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये शुरू किया जिसमें
लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इससे सेफ्टी करके रखना है। जैसे आप कह रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ऐसे हम बोल रहे हैं दो गज दूरी मास्क है जरूरी, तो इसी मास्क को लेके और सब लोगों की ये उम्मीद चाहिए कि सब लोगों को मास्क पहनना है, मास्क कभी ना हो, इसलिए ये मास्क बनाने का तरीका आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोशिश करिए कि अगर आप लोगों को ये सब बनाना आ जाए और उसके बाद बहुत सारे तरीके से हम आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ में, ताकि आप लोग उसके साथ अपने आप आपको आज हमारे बीच में आप लोग सुनना चाहते हैं। और भी हमारे युवा विधायक माननीय चौधरी जी हमारे बीच में, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा कि सर की मीटिंगें लगी हुई हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि सर दो शब्दों के लोगों को संबोधित करेंगे। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर्स फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसने इस कोरोना महामारी से लड़ने में केजरीवाल सरकार की और दिल्ली वालों की बहुत सहायता करी, और आप लोगों ने भी बीते कई महीने में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वक्तव्य को सुना। ऐसे आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के वक्तव्य को सुना, और जब जब भी उन्होंने इस महामारी से लड़ाई लड़ने की बात रखी, अपने अनुभव बताए, उन्होंने हर बार अपने अनुभव में डॉक्टर्स फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर उनकी बहुत बड़ाई करी, उनको बहुत धन्यवाद दिया। आज ये बात कबूल करने में हमें किसी प्रकार हेजिटेशन नहीं है, गिला नहीं है। देखो यार, चल चल ये ठीक है, और ये बात कबूलने में हमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि यदि आज पूरे देश भर में कोई एक राज्य है जिसने इस कोरोना महामारी से मजबूती से लड़ाई भी लड़ी और कोरोना रूपी राक्षस को पिछाड़ा भी, तो वो राज्य तो दिल्ली है, वो सरकार तो केजरीवाल सरकार है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत अहम भूमिका डॉक्टर्स और युवा संस्था ने निभाई है। और ये दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है अब कि डॉक्टर्स और युवा ने कितनी अहम भूमिका निभाई। ये इतनी बड़ी लड़ाई है जो कोई एक व्यक्ति या कोई एक सरकार अकेले लड़ाई लड़ने का सोच भी नहीं सकती। इसमें बहुत लोगों का साथ चाहिए, सभी संस्थाओं को साथ आना पड़ेगा, लोगों को साथ आना पड़ेगा, सारी सरकारों को साथ आना पड़ेगा, सारी पार्टियों को साथ आना पड़ेगा, तभी हम लोग मिलकर इस कोरोना रूपी राक्षस से, इस विश्वव्यापी महामारी से लड़ाई लड़ पाएंगे। आज केवल एक दिल्ली वाला होते हुए नहीं, बल्कि इस राजेंद्र नगर विधानसभा का विधायक होने के नाते भी मुझे ये बात कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि डॉक्टर्स फॉर यू संस्था ने दिल्ली भर में 3 जगहें चुनी है जहां पर वो इस प्रकार की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं बहने मास्क बनाएंगी, सिलाई मशीन पर बढ़िया मास्क बनाएंगी, और वो मास्क लगे हाथों
डॉक्टर्स फॉर यू संस्था खरीदेगी और आगे उसे बेचेगी। ये शुरुआत दिल्ली भर में केवल 3 जगहों पर हो रही है, जिसमें से एक जगह और पहली जगह है हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा और उसमें आने वाला दूसरा जगह है। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाला भुवनगर का इलाका चुना और ये शुरुआत करी। आज हमारा देश एक ऐसी आर्थिक आपातकाल से भी गुजर रहा है जहां लोगों के व्यापार बंद हो गए, धंधा खत्म हो गया, नौकरियां चली गई, रोजगार खत्म हो गया, पूरी अर्थव्यवस्था चकरा गई। उस दौर में यदि कोई भी संस्था सिविल सोसाइटी यानी कि जनता के साथ मिलकर महामारी से लड़ाई भी लड़ती है और महामारी से जुड़े मास्क जैसे रोजगार के नए नए साधन, नई नई अपॉर्चुनिटी भी देती है, वो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। और मैं डॉक्टर्स फॉर यू संस्था के सभी ऑफिस बियरर्स को, डॉक्टर्स को, खास करके रजत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस पूरी मुहिम में यदि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी या मैं आपके क्षेत्र का विधायक होने के नाते इसमें जो भी भूमिका निभा सके, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आप मुझे बताइएगा। अंत में जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा वो मैं भी दोहराना चाहूंगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं आती है ढिलाई नहीं करती है। आजकल ये देखा जा रहा है और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि लोग इस महामारी से परेशान हो चुके, कि कब तक मास्क पहन के घूमेंगे, कब तक सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, कितना हाथ धोएंगे, और लोगों के अंदर एक थकान आ गई है। इसको पैंडेमिक फटीग कहते हैं अंग्रेजी में, कि इस बीमारी के चलते थकान सी आ गई है यार, ये मास्क नहीं पहनना, जो होगा देखा जाएगा, अब हाथ नहीं धोने, बहुत हो गया सामाजिक दूरी, अब और नहीं कर सकते 6-8 महीने कभी। ये थोड़ी सी ढिलाई, थोड़ी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसका पालन आप सब करें, ठीक है ना। और दूसरा, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो 2 गज की दूरी भी जरूर बनानी है और बिना मास्क के अपने घर से नहीं निकलना है। ये 2 वादा आज यहां बैठे सभी साथी हमसे करें और ये आप अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार वालों के लिए करें, ये बात याद रखिए। इसी के साथ साथ आज नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, आज ही के दिन डॉक्टर्स फॉर यू हमारे साथ मिलकर इस शिविर की भी शुरुआत कर रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। लोग पूरा साल इंतजार करते हैं कि पहले नवरात्रे पर कोई नया काम शुरू करेंगे, कोई नई चीज खरीदेंगे, और आज ही के दिन एक बहुत अच्छी मुहिम हमारी विधानसभा में शुरू हो रही है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना भी करूंगा कि अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें और हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा के निवासियों को और पूरी दिल्ली वालों को खूब सुख शांति, यश, कीर्ति, धन दे और उनके सारे दिन सारी समस्याएं हल हों। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपसे ही चाहता हूँ कि एक जोरदार ताली लगा के देने के लिए।
तो ये बहुत ही सारे काम ने किया और डॉक्टर्स का जो बताया सर ने बहुत अप्लाई और मैं आप अजय झा जी से और मैडम आपके बाद आप जो भी कर सकते हाँ सर नहीं कटेगा आज जो सुधार हुआ है बहुत तेजी से आगे जाएगा।